ट्राई करो, देखो होता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा ही स्पेशल क्वेश्चन है जो डाउट में जरूर आता है यार, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है कि साइन कन्वेंशन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन है उसमें जो डिफरेंस है उसको ये एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे जो दिया है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। अब 1-150 जूल वर्क हुआ है अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। अब देखो जो केमिस्ट्री है और जो फिजिक्स है उन दोनों के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज द हीट गिवेन टू द सिस्टम इज यूज एज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो इस ये अगर मैं इसको डेल्टा यू लिखूं तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये एक्चुअली ऐसे फिजिक्स में लिखा जाता है जहां पर दोनों के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है यार, वर्क डन के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है, इंटरनल एनर्जी और हीट का जो साइन कन्वेंशन है वो सेम रहता है। केमिस्ट्री में यही लिखा जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हो गया हमारी केमिस्ट्री। तो ये अब इन दोनों के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। वर्क का साइन कन्वेंशन जो है फिजिक्स में जो डिफाइन है, अगर कोई गैस है इस सिस्टम में रखा हुआ है, ऊपर से पिस्टन है, तो वर्क डन बाय द गैस मतलब एक्सपेंशन, समझना फिजिक्स में समझा रहा हूं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन गैस इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सपेंशन, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस निगेटिव, यहां पे निगेटिव लेते हैं यहां पर पॉजिटिव लेते हैं। अब यहां पे जो वर्क दिया है वो माइनस दिया है, -150 जूल, तो -150 जूल केमिस्ट्री के साइन के हिसाब से दिया है। तो अब मैं केमिस्ट्री के साइन के हिसाब से तो ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और ये आ गया जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू और माइनस, और -150 जूल इज इक्वल टू +150 जूल। अब प्लस का मतलब होता है कि हीट एनर्जी एड हुआ होगा, तो इस सिस्टम को 150 जूल हीट एनर्जी एड हुआ, दैट इज डी ऑप्शन सही है। फिजिक्स के साइन के हिसाब से करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। अब फिजिक्स ये कहता है कि वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होता है, जबकि केमिस्ट्री ये कहती है वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होती है, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो है वो वर्क डन बाय द गैस मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा फिजिक्स के साइन के कन्वेंशन के हिसाब से। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू जीरो और +150 जूल, क्योंकि वर्क डन इसको मैं प्लस कंसीडर करूंगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 150 जूल एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम को एड हुआ होगा 150 जूल, दोनों के हिसाब से सही है यार।